नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 13, 14 और 15 जून के कुंभ राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी यह समय बर्थडे है या मैरिज एनिवर्सरी है, आप लोगों को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरह के ग्रह हैं, तो आइए इसी के साथ बात करते हैं यह समय ग्रहों की स्थिति कैसे रहेंगे, क्या क्या योग बनेंगे, इन सभी का आपकी राशि पर कौन सा असर पड़ने वाला है, किन किन चीजों से आपको सावधान रहना होगा, कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दोस्तों इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थितियां और धन की स्थितियों को लेकर कैसे कैसे योग बन रहे हैं, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और इस वीडियो के मध्य में बहुत ही अच्छे और शानदार उपाय भी बताया गया है, जिनको करने से जीवन में और भी ज्यादा खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि रोजाना राशि फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, आपके घर में चल रहे समस्याएं दूर होंगी, घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर आप किसी से भी विवाद न करें, नहीं तो आपको हानि उठानी पड़ सकती है। आप किसी के साथ भी कोई भी मनमुटाव न करें, मां काली की कृपा दृष्टि से आपके जीवन के सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान पर रखें और आप अपने काम काजों को पूर्ण करने की अवश्य कोशिश करें। बिजनेस में भी आपको भारी मात्रा में लाभ की प्राप्ति होंगे। ब्रह्मदेव की कृपा से मनचाही मुरादे पूरी होंगे। वहीं दूसरी ओर माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके ऊपर कभी भी कोई भी धन की कमी नहीं रहेंगे। आपको कर्जों से मुक्ति मिलेंगे। आपके परिवार में माहौल खुशनुमा बना रहेंगे। आपको आय के नए स्रोत भी प्राप्त होंगे। आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा भी प्राप्त होने वाला है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेंगे। परिवार के किसी सदस्य से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे। आपको प्रेम संबंधों में सफलता की प्राप्ति होंगे। आपका दिन भी बहुत ही ज्यादा उत्तम फलकारक रहेंगे। आपको यथासंभव विनम्र रहने की जरूरत होंगे। आपकी आर्थिक स्थितियां पहले से काफी ज्यादा बेहतर होंगे। आपके पार्टनर के साथ संबंध मधुर होंगे। कार्यस्थल पर भी बिना मांगे आप सलाह किसी को भी न दें। कारोबार में भी आपके द्वारा लिए गए निर्णय भी लाभदायक साबित होंगे। परिवार और कार्यस्थल पर आपके खर्चों में बढ़ोतरी होंगे। आपके खुशी के सामने कोई भी खर्चों का मोल नहीं रहेगा। बिजनेस करने वालों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ ज्यादा मेहनत भी आपको करनी पड़ सकती है। घर परिवार में चल रहे समस्याएं भी धीरे धीरे आसानी से सुलझ सकती हैं। आपको तरक्की के मार्ग में आ रहे आपकी सारी बाधाएं भी दूर होंगे। घर परिवार में किसी मांगलिक कार्य करने का आयोजन भी आप बना सकते हैं। बच्चों की तरफ से भी आपको बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। आप लोगों के जीवन के सभी प्रकार के संकटों को दूर करने का मौका भी मिलेंगे। आप लोगों के जीवन में कोई लॉटरी भी हाथ लग सकती है। आपके रुके हुए कार्य भी जल्दी ही पूरे होंगे। आपके सभी रुके कार्य भी जल्दी बनेंगे। धन लाभ की प्राप्ति होंगे। विवाह के योग बने रहेंगे। अचानक से आपको अपने जीवन में धन लाभ की प्राप्ति होंगे। आपके घर में कोई खास मेहमानों का आगमन हो सकता है। मित्रों, महाबली हनुमान जी की कृपा के साथ साथ आपके जीवन में आप अपने दुख तकलीफों से छुटकारा भी प्राप्त कर सकते हैं, तथा आपको महाबली हनुमान जी कृपा से आपके जीवन में आपको सुनहरे अवसरों की प्राप्ति होने वाली है। तथा अगर आप किसी प्रकार की कोई परेशानी से जकड़े हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानियां आपको जीवन में काफी ज्यादा परेशान कर रही हैं, तो आप उनसे भी छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। आपकी किस्मत भी अचानक से चमकने वाली है। आपको अचानक से बड़े धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है, तथा आप लोगों को पिछले कार्यों के बेहतर परिणाम भी प्राप्त होंगे। आप लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी बड़ा सुधार हो सकता है। गौरीपुत्र गणेश जी की कृपा से घर परिवार में आपको खुशियां आ सकती हैं। आप किसी काम को लेकर यात्राओं को कर सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक रह सकता है। ऑफिस में आपका कॉन्फिडेंट देखकर बॉस आपसे खुश होंगे। आपको कोई बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है जिनसे आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। आपको किसी खास कामों की तैयारी करने के मौके मिल सकते हैं। पिछले कार्यों के बेहतर परिणाम बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। आपको मित्रों से किसी विशेष काम में विशेष मदद मिल सकती है। आपको अचानक कहीं से धन लाभ होगा। पुराने कर्ज को चुकाने में सफल रहेंगे। कार्यस्थल पर भी अधिकारी का पूर्ण सहयोग मिल सकता है। परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। आपके जीवन शैली में सुधार होने का योग है। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। व्यापार में भी आपकी उन्नति हो सकती है। विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है, तभी आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। व्यर्थ के बहसबाजी से दूर रहें तो आपके लिए बेहतर होंगे। आप अपनी काबिलियत से समाज में अलग से पहचाने जाएंगे। आपको नौकरी में लगातार सफलता हासिल होंगी।
पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपको आमदनी के अच्छे स्रोत हासिल होंगे, मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम में आपको सफलता मिल सकते हैं, यह समय आपका सहयोग कर सकता है, आर्थिक स्थिति से भी आपको छुटकारा मिल सकता है तथा आप अपने जीवन में काफी बड़ी खुशियों का अनुभव कर सकते हैं। आपके सारे रुके और बिगड़े कार्य भी पूरे होंगे। आप लोगों का समय काफी ज्यादा अच्छा रह सकता है। मौज और मस्ती मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों के प्रति आपको समय बिताने से खुशी की महसूस होंगी तथा आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करके रखने की कोशिश करें, लापरवाही ना करें। आपके जीवन में आप अपने कर्जों से छुटकारा भी प्राप्त कर सकते हैं तथा भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आप अपने आर्थिक स्थितियों में लगातार मजबूती कर सकते हैं। आपके जीवन में आने वाले तमाम प्रकार के कष्टों और समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी। महालक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है। आप अपने जीवन में तेजी से प्रगति करते हुए सफलता के नए कीर्तिमान को स्थापित करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होंगे। आपको जीवन में आप अपने रुके सारे कार्य को आसानी से पूरा कर सकते हैं। आप अपने हर काम में सफलता हासिल कर सकोगे। थोड़ा सा सावधान सत्र को संभल कर रहने की जरूरत रहेगी। व्यापार करने वालों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा रह सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने होंगे। विद्यार्थियों के लिए समय काफी अच्छा रह सकता है। आपको नया वाहन खरीदने के अवसर मिल सकते हैं। संतान के माध्यम से घर की आर्थिक स्थिति सुधरेंगी। आर्थिक मामलों से जुड़ी यात्राएं लाभ पहुंचाएंगी। रुका वधन भी शीघ्र वापस मिल सकता है। आपका आत्मविश्वास आपको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना सकता है। आप अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और बिगड़ी हुई आपकी स्थितियों में भी काफी ज्यादा सुधार हो सकते हैं। आपके मन चाहे मुरादे पूरी होंगी तथा आप अपने शनिदेव जी की कृपा से आपके सभी मुरादे पूरी होंगी। रुके हुए पैसे को पाने के लिए आप कोई नया प्लानिंग कर सकते हैं। कारोबारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। भाई बहनों का सानिध्य मिल सकता है। प्रेमिका या पार्टनर से आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। आपके सच्ची मोहब्बत को बढ़ावा मिलेगा। बड़ी खुशखबरी की संभावना है। अपने आप को बेहतर महसूस कर सकते हैं। आपके अधिक से अधिक कार्य भी सही समय पर हो सकते हैं। मित्रों, माता दुर्गा की कृपा से आपको शुभ और अच्छे समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। माता दुर्गा आपके जीवन में अनोखे परिवर्तन करने वाली हैं और आपको जीवन की तमाम दुख तकलीफों से भी छुटकारा दिलवाने वाली हैं। कार्य क्षेत्र में किया गया प्रयास भी आपके लिए काफी शुभ और बेहतरीन हो सकता है। धन से जुड़ी आपकी तकलीफें भी दूर होंगी। माता दुर्गा की कृपा से माता लक्ष्मी की कृपा भी आपकी आर्थिक तंगियों को अचानक से खत्म कर सकते हैं। आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ माता दुर्गा की कृपा भी प्राप्त होंगी, जिनके कारण धन दौलत की बरसातें हो सकते हैं और कार्य क्षेत्र में आपको विशेष बड़ी खुशखबरी भी प्राप्त हो सकते हैं। आपको अचानक से घर की आर्थिक तंगियों को दूर करने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं।